हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल होता है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 5। तो इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। इसमें करना क्या होगा, ये जो लास्ट वाली संख्या है इससे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुना करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना किया गया है, तो 2 से। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। तो लास्ट वाली संख्या से 2 में गुना करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 से हम 2 में गुना करेंगे। तो 5 दुना कितना हो जाएगा, 10। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को देखेंगे। तो बीच में क्या है हमारा, 7 है। तो फ्रेंड्स, अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुना करने पे 10 आए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या फिर घटाने पे ये जो बीच में 7 है ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि कौन सा हम टेबल लेंगे जिसको गुना करने पे 10 आए। तो जैसे कि 5 × 2 लेते हैं, तो 5 × 2 क्या होता है, 10। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो संख्या है, इनका गुना करने पे क्या आया है, 10। अब इन दोनों को जोड़ के या फिर घटा के देखना है कि 7 आता है कि नहीं। तो पहले हम घटा के देखते हैं, तो 5 − 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। 5 × 10 तो हो जाएगा गुना करने पे, लेकिन ये घटाने पे नहीं आ रहा है। तो अब हम 5 और 2 को जोड़ के देखते हैं, तो 5 + 2, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे देखिए, 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 आ रहा है, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। तो ये हमारा फॉलो हो रहा है 5 + 2। तो यही तो था कि वैसी दो संख्या हमें लेनी है जिसका गुना करने पे 10 आए। तो गुना करने पे देखिए, 5 × 10 आ रहा है, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे ये जो बीच में 7 है ये आना चाहिए। तो जोड़ने या घटाने पे, तो घटाने पे तो नहीं आया, जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम 5 + 2 लेंगे। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2x², तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 2x². अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का साइन देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 5 + 2 है, तो इसी को लेना है। तो 5, यहाँ पे x लगा हुआ है, तो यहाँ पे x लगाएंगे, तो 5x + 2x, तो 7x हो जाएगा, + 5। यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, हमें इसको दो पार्ट में बांट देना है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हमें 2x² + 5x में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या क्या शामिल है ये पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2x², तो यहाँ पे नोट करेंगे 2x², यहाँ पे क्या है, 5x, तो नीचे यहाँ पे 5x नोट कर लेते हैं। अब इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × x × x, तो 2x² हो जाएगा। अब 5x है, तो इसको हम 5 × x ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या शामिल है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो बस यही मिल रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कॉमन लें। तो x को हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बाहर करेंगे, क्योंकि ये दोनों में है, तो x कॉमन हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे 2x² है, तो x तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब देखिए, x से 2x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे नीचे में 5x था, तो x तो हमारा कॉमन हो गया, बच क्या जाएगा, 5, तो यहाँ पे नोट करेंगे 5। तो x से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ पे 2x + 5 यहाँ पे पहले से है ही, तो
तो इन दोनों में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे। अब 2x प्लस 5 यहाँ भी आना चाहिए, तभी हमारा ये गुणनखंड सही होगा। तो यहाँ पे तो एक ले लिया हमने, अब एक से हम किस चीज़ में गुना करेंगे जो 2x प्लस 5 आ जाएगा। तो एक से हम 2x प्लस 5 में ही गुना करेंगे तो 2x प्लस 5 आएगा, तो यहाँ पे हम 2x प्लस 5 नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, तो ये गुणनखंड हमारा सही होगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को एक बार लिखेंगे, x प्लस 1। अब इसके बाद में इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर इसके बाद में आपसे कोई यहाँ पे ये पूछे कि x का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, तो इसके बराबर में कुछ भी नहीं है, तो बराबर में हम 0 रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसका मतलब x प्लस 1 0 के बराबर है और 2x प्लस 5 0 के बराबर है, मतलब कि ये दोनों 0 के बराबर है। तो x प्लस 1 बराबर 0 ले सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर ये प्लस 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 0 का तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो एक बार में x का वैल्यू कितना आया, माइनस 1। अब इसके बाद में जैसे कि x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2x प्लस 5 भी तो 0 होगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 2x बराबर प्लस में 5 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब x को फ्री करेंगे यहाँ से हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपने जगह पे है तो 2 गुना में है तो बराबर के इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, तो बटा में 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो एक बार x का वैल्यू कितना आया, माइनस 1, और एक बार में x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 5 बटा 2। तो आप इस तरीके से x का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो।